हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी, चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मेरा नाम है हितेश मिश्रा और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्या, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एसएससी 5 मार्च में आए हुए प्रश्न का जो ऑल शिफ्ट एनालिसिस है वो। मैं आज आपको इस मोड में इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली में थोड़ा सा कोरोना वायरस का इफेक्ट है, जिस वजह से ऑफिस में जो है थोड़ा सा मतलब उसके सिक्योरिटी पर्पज से क्लासेस स्टूडियो से नहीं लिया जा रहा है, तो हम आपको दूसरे मोड से पढ़ा रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है इससे, आप अच्छे से पढ़िए, आपको क्लास से मतलब था, क्लास जा रहा है, सिर्फ आपको हम दिख नहीं रहे, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है। तो जो भी बच्चे नए हैं, जो भी बच्चे अभी तक हमें नहीं जानते हैं, उनको बता दें कि वो हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम पे रीजनिंग बाय हितेश सर में, फेसबुक पेज भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम भी फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आए हुए टॉपिक्स हैं वो लगभग लगभग वही सब हैं जो कल आए थे। ये जितने भी टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं ये सारे टॉपिक्स कल भी यही था लगभग, और आज भी लगभग लगभग ऐसे ही हैं, इसमें ज्यादा अंतर नहीं है। और जो भी भाई बहन अभी तक हमारे साथ अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन नहीं लिए हैं वो जुड़ जाएं। आपको पता है कि हमारा जो रेफरल कोड है वो क्या है, वाईफाई चैंप, इसके थ्रू आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें आज का जो पहला क्वेश्चन था डियर फ्रेंड्स, वो ये है कि डॉक्टर का अगर संबंध स्टेथोस्कोप से है तो स्कल्पचर का किससे है, तो आप इसका आंसर बताएं क्या होगा। तो आज ऐसा भी हो सकता है कि क्लास थोड़ा सा छोटा रहे क्योंकि हम लोग दूसरे मोड से पढ़ रहे हैं, तो उतना हम लोग कमेंट नहीं ले रहे हैं और आपसे इंटरेक्शन उस तरह का नहीं है, तो परेशान नहीं होना है, क्लास पूरा देखिएगा। तो इसका आंसर बताएं क्या लग रहा है आपको। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि भाई साहब ऐसा है कि डॉक्टर का अगर संबंध इससे है तो मूर्तिकार जो है उनका जो संबंध होगा वो छेनी से होगा क्योंकि इसी से तो वो उसको बनाएंगे, है ना। चलिए अगला जो प्रश्न है वो इस तरह का है, तो आपको बताना है कि पी का अंकल कौन है। यहाँ पर जो प्रश्न है वो ये है कि पी का अंकल कौन है, एक बार आप कोशिश करें और बताएं कि इसका आंसर क्या होगा, जरा ध्यान से बताइएगा, है ना, इसका जो आंसर है वो क्या होगा, क्या लग रहा है आपको। बेहद आसान ये प्रश्न है, चलिए तो इसको अगर हम देखें तो क्या हो जा रहा है, ये के जे का भाई है ना, के जो है ये आप क्या देख रहे हो भाई, जे का भाई है, एम जो है के की बहन है, ठीक है। फिर क्या बोला जा रहा है, पी जो है वो किसका, तो पी जो है वो एन का भाई है और एन जो है वो जे की बिटिया है। प्रश्न यहाँ पर ये था पी का अंकल कौन है, तो चूंकि ये फीमेल ही है और ये माता पिता ही कोई होंगे तो इसका अंकल तो के ही होगा, तो आपका जो आंसर है वो बिल्कुल सही है कि के इज द राइट आंसर फॉर यू, बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला देखिए, इसमें आपको ऑड बताना है, इसमें ऑड कौन सा है, ये जो प्रश्न आप देख रहे हैं इसमें आपको बताना है कि ऑड कौन सा है, तालाब झील, पिस्टल गन, कार बस, चर्च स्मारक, आपको क्या लगता है, इसमें अलग बताएं आप, क्या लग रहा है। क्या लग रहा है, चीजें क्लियर हो रही हैं। चलिए तो यहां पर अगर हम देखें तो इसका जो आंसर है चर्च स्मारक ही हो जाएगा क्योंकि यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि तालाब झील एक जैसा है, पिस्टल गन एक जैसा है, कार बस एक जैसा है, तो इसलिए चर्च स्मारक आपका राइट आंसर हो गया। इसको देखिए जरा सा, ये डायरेक्शन का एक प्रश्न है, इसका आंसर आपको क्या लग रहा है, और थोड़ा इंटरेस्ट लीजिए क्लास में, मोड भले ही दूसरा है लेकिन क्लास आपका हो ही रहा है, क्लास आपका लैप्स नहीं गया, ये इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। तो क्लास जो है आप अच्छे से देखें और बताएं कि आपको क्या लग रहा है। क्वेश्चन बढ़िया है कि मैं अपने दाहिने हाथ को दक्षिण की ओर बढ़ाता हूं, ठीक है, तो मेरी पीठ किस दिशा में होगी, आई स्टैंड विथ माई राइट हैंड एक्सटेंडेड साइड वेज टुवर्ड साउथ। तो यहाँ पर हिंदी उसका उस तरह से नहीं है, बोल रहा है कि अगर मान लीजिए कोई इंसान खड़ा है, ठीक है, तो उसका हाथ जो है वो दाहिने क्षेत्र में है ना, हिंदी के हिसाब से मत बनाइए इसको, इसको इंग्लिश के हिसाब से बनाइए। तो यहाँ पर अगर देखें कोई इंसान अगर खड़ा है मान लीजिए, उसका राइट हैंड अगर
आप देख रहे हैं कि इस तरफ है, मतलब साउथ डायरेक्शन में, इसका मतलब वो ईस्ट फेसिंग है, इसका मतलब वो ईस्ट फेसिंग है, और इसका मतलब ये हो गया डियर फ्रेंड्स कि पूछा जा रहा है टुवर्ड्स विच डायरेक्शन विल माई बैक बी, तो हमारा जो बैक है वो किस दिशा में हो जाएगा, फिर वेस्ट में, तो अपना जो आंसर है वो वेस्ट के साथ चला जाएगा, वेस्ट जो है डियर फ्रेंड्स ये अपना राइट आंसर। अगले में आते हैं, इसको देखिए जरा सा क्या लग रहा है आपको, बेहद आसान ये प्रश्न है, इसका जरा आंसर बताएं डियर फ्रेंड्स, लग क्या रहा है आपको? व्हाट डू यू थिंक इज द राइट आंसर फॉर दिस? ध्यान से और आराम से। चलिए, तो आप कह रहे हैं सर बेहद आसान ये प्रश्न है, इसका जो आंसर है वो ये हो जाएगा, 5 2 7, फिर 7 2 9, 9 7 16, 16 9 25, 25 और 16 41, तो 41 जो है ये आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया, 41 जो है ये क्या हो गया आपका, राइट आंसर हो गया। ठीक है, अगले में आइए, इसको देखिए जरा सा आपको क्या लग रहा है, ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर बताएं आप, क्या लग रहा है आपको? व्हाट डू यू थिंक इज द राइट आंसर फॉर दिस? ध्यान से बनाइएगा, परेशान बिल्कुल नहीं होना है, जितना मैक्सिमम होगा हम क्वेश्चन कवर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है, तो जितना मैक्सिमम होगा उतना हम क्वेश्चन प्रयास करेंगे करने का, इसको बताएं आप। चलिए, तो कैसे हुआ ये? यहां पर आप क्या देख रहे हो, टू जो है वो कोड किसके लिए है, टू जो है वो कोड आप देख रहे हैं ए के लिए है, फोर जो है एल के लिए है, नाइन देख रहे हैं आप टी के लिए है, तो ये तो ऐसे ही खत्म हो गया, फिर 5 3 बच गया, तो 5 3 की अगर हम बात करें डियर फ्रेंड्स, तो 3 हम देख रहे हैं यू के लिए है ना, तो ये भी खत्म हो गया, अब बच गया कौन, 5, तो 5 आप किसके लिए देख रहे हैं, जी के लिए, तो ALGUT ये आपका राइट आंसर है, सी के साथ चला गया, गो फॉर द नेक्स्ट, इसका आंसर बताएं आपको क्या लग रहा है, जो अगला प्रश्न है इसका जरा आंसर बताइए क्या लग रहा है आपको, इसका आंसर बताएं आप, व्हाट डू यू थिंक इज द राइट आंसर फॉर दिस? ध्यान से और आराम से, इसका जरा आंसर बताएं आप कि लग क्या रहा है, जा बिल्कुल सही रहे हैं, लेकिन सही आंसर बहुत जरूरी है कि क्या लग रहा है आपको सही आंसर। तो बच्चे कह रहे हैं कि सर इसका जो आंसर है वो पहला गलत दूसरा सही होना चाहिए, कि सभी लड़कियों को शादी करना पसंद नहीं है, कुछ लड़कियां शादी नहीं करती हैं, तो सभी लड़कियों को शादी करना पसंद है, जब नहीं है लिखा हुआ है तो कैसे है, कुछ लड़कियां शादी करती हैं, कुछ लड़कियां नहीं करती हैं, इसका मतलब कुछ करती हैं इस बेसिस पे, है ना, तो आपका जो आंसर है फिर दूसरे के साथ जाना चाहिए इसके हिसाब से, कुछ लड़कियां शादी नहीं करती इसका मतलब कुछ तो कर रही है ना, ठीक है। चलिए इसमें आते हैं, इसका आंसर बताएं क्या लग रहा है आपको, व्हाट डू यू थिंक इज द राइट आंसर फॉर दिस? ये जो प्रश्न है इसका आंसर बताएं आप, क्या लग रहा है, ध्यान से और आराम से। पंद्रह बच्चों की एक पंक्ति में जब राजू को दाईं ओर 3 स्थानों पर स्थानांतरित किया गया तो वह दाहिने छोर से 8वें स्थान पर आ गया, तो गौर कीजिए कि ऐसे कोई बैठा होगा कहीं पर भी, इसको दाहिने ओर 3 स्थान खिसकाया गया, तो दाहिने ओर से ये 8वां हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि 9 10 11, दाहिने ओर से ये 11 था पहले, तो बाएं ओर से पूछा जा रहा है, तो 15 में से 11 घटा के 1 आप ऐड कर दोगे, तो 16 में से 11 घटा दीजिए, तो आपके पास जो रिमेनिंग बचेगा वो कितना हो गया, 5, आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो गया, 5। क्लियर है बाबू, कोई दिक्कत नहीं, मुझे तो लग रहा है एकदम चकाचक समझ में आ रहा होगा आपको, है ना,
आगे बढ़ें, अगले में आई। और ये बार बार मैं बता दूं एक बात को, ये जो हम लोग टॉपिक्स कर रहे हैं, ये जो क्वेश्चंस कर रहे हैं, ये आए हुए प्रश्नों पे कर रहे हैं। ये जो देख रहे हैं आप, ये आए हुए प्रश्न जो हैं, टॉपिक्स जो हैं, उसके बेस पर हम लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं। ऐसा कि यही आया था, ऐसी बात नहीं। क्वेश्चन इस टॉपिक पे ऐसे आ सकते हैं आपके एग्जाम में, इसलिए हमने ऐसा प्रश्न करना उचित समझा। चलिए, इसका आंसर बताइए, क्या लग रहा है, क्या लग रहा है आपको? जरा ध्यान से बताएं, क्या लग रहा है? एकदम सही जा रहे हैं आप लोग। तो 12 आप कह रहे हैं, कैसे हुआ भाई, कैसे हुआ? देखो, 24 और इसका दोगुना 12 तो 36, 30 और इसका दोगुना 16 तो 46, 42 में क्या जोड़े हैं? तो 2x करके हमारा 66 हो जाए, तो 2x इज इक्वल टू 66 माइनस 42। x की वैल्यू 6 में 2 गया 4, फिर ये क्या बच गया आपका, 6 में 4 गया 2, डिवाइड बाय 2 आप जब करेंगे, ठीक है, तो ये 12 के बराबर होगा। तो आपका जो राइट आंसर है वो 12 के साथ चला जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, चीजें चकाचक हैं, आगे बढ़े विदाउट एनी प्रॉब्लम। चलिए अगला देखते हैं, ये एज बेस्ड क्वेश्चंस हैं, यहां से भी प्रश्न आ रहा है, तो इसका जरा आंसर बताइए कि क्या लग रहा है आपको, व्हाट डू यू थिंक इज द राइट आंसर फॉर दिस? ध्यान से बताएं और आराम से बताएं, इसका आंसर क्या लग रहा है? ध्यान से बताएं, बेहद आसान है। माता की उम्र आप कह रहे हो 45, क्योंकि माता और डॉटर का मिला के हम देख रहे हैं कि 60 है, और इन दोनों का जो गैप है वो 30 है, तो ये कट गया, तो 2m की वैल्यू 90 हो गई, इसका मतलब m का वैल्यू कितने के बराबर हो गया, 45। तो आपका जो आंसर है वो इसके साथ चला गया। आइए अगले प्रश्न में आते हैं, डाइस से भी प्रश्न पूछा जा रहा है, तो आप बताएं इसका आंसर क्या लग रहा है आपको, व्हाट डू यू थिंक इज द राइट आंसर फॉर दिस? जरा ध्यान से बताइएगा इसका आंसर जो है वो क्या होगा। बहुत सही जा रहे हैं आप लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका जरा आंसर बताइए, क्या लग रहा है आपको? तो पूछा क्या है, वन के अपोजिट क्या होगा, है ना? क्वेश्चन ये है कि वन के अपोजिट क्या होगा, तो परेशान नहीं होना है। देखिए, मान लीजिए कि अगर आप इन दोनों को देखते हैं, तो वन वन ही कॉमन है, तो इसको छोड़ दीजिए। आप ये देखो कि वन के पड़ोसी कौन कौन है, 4 हैं, 6 हैं, 5 हैं, 3 हैं, 2 इसका पड़ोसी कहीं नहीं है, यहां पर देखो तो भी एक का पड़ोसी 2 नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, इसका मतलब एक का उल्टा कौन होगा, 2 होगा। तो आपका राइट आंसर किसके साथ चला गया, 2 के साथ। अगला देखें, इसका आंसर क्या लग रहा है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका आंसर बताइए, व्हाट डू यू थिंक इज द राइट आंसर फॉर दिस? ध्यान से और आराम से जरा इसका आंसर बताएं, क्या लग रहा है आपको? और प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, है ना? और जो भी भाई बहन नहीं जुड़े हमारे साथ टेलीग्राम पे, तो जुड़ सकते हैं, रीजनिंग बाय हितेश सर ये आपको दिख रहा है ना, वो हमारे फेसबुक पेज भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम भी, साथ में डायरेक्ट फ्रेंड को भी भेज सकते हैं, ठीक है? इसका आंसर क्या लग रहा है आपको? मैरिड मैनेजर एंड विलेजर्स। तो इसका हिंदी देखो थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हो गया है, क्योंकि ये वर्ड उस तरह से ले लिया गया है, तो इसको इग्नोर करना थोड़ा सा। इसका आंसर बी होगा, क्योंकि एक विवाहित मैनेजर भी हो सकता है, ग्रामीण भी हो सकता है, तो बी जो है ये आपका राइट आंसर है। इसको देखो कितने त्रिभुज हैं, काउंटिंग ऑफ फिगर से जो क्वेश्चन आ रहा है उसमें आपको ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है, और मैं बार बार यही कह रहा हूं कि हम टॉपिक पर बेस करके क्वेश्चन बना रहे हैं,
और कल के बाद जो है ये सीएचएसएल का नॉर्मल क्लास जैसे 1000 क्वेश्चन का सीरीज चल रहा था वैसे ही चलेगा, लेकिन आज हम लोग देख रहे हैं जो सीजीएल में आए हुए हैं प्रश्न उस पर बेस करके क्वेश्चन, तो जो टॉपिक्स हैं उसके आधार पे हम ये करवा रहे हैं आपको। चलिए तो यहां पर अगर हम देखें 1 2 3 4 है ना, तो 4 3 7 2 9 1 10 इधर और 10 इधर, टोटल कितने हो गए 20। तो अपना जो राइट आंसर है वो 20 के साथ चला गया। इसको देखते हैं, ये मिरर इमेज है, तो आपको क्या लग रहा है व्हाट विल बी द राइट आंसर फॉर दिस? ध्यान से बताइए कि आपको आंसर क्या लग रहा है। बहुत सही जा रहे हैं आप लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका जरा आंसर बता दें डियर फ्रेंड्स कि लग क्या रहा है आपको, क्या आंसर हो सकता है? और कोई क्वेश्चन ऐसा अगर जिसमें आपको लगे कि ये क्वेश्चन हमें दोबारा पढ़ना है तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा, उस क्वेश्चन को अगले क्लास में फिर देख लिया जाएगा, है ना? ये नहीं कि परेशान होने लगे, ऐसा नहीं होना है। इसका आंसर आप सी कह रहे हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि ऊपर काला जाएगा नहीं तो इसी वजह से। चलिए इसको देखिए जरा सा कि एम्बेडेड फिगर कहाँ पे है, ये जो प्रश्न है इसका आंसर बताएं आप, एम्बेडेड फिगर कौन सा है? व्हाट डू यू थिंक इज द राइट आंसर फॉर दिस? जरा ध्यान से बताएं आप क्या लग रहा है। तो बच्चे कह रहे हैं ए होगा गुरुजी, बिल्कुल सही है, ए आपका राइट आंसर है, एकदम सही जा रहे हैं आप लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इस पर क्लास थोड़ा फास्ट हो जाता है क्योंकि इस पर सीधा आप क्वेश्चन करते हो, हमारा इंटरेक्शन नहीं होता है ना, हम थोड़ा सा कॉमेडी कर पाते हैं, पर क्लास तो हो रहा है भैया, है ना, मेन इंपॉर्टेंट बात उसकी है। तो इसको देखिए जरा सा क्या लग रहा है आपको, व्हाट डू यू थिंक इज द राइट आंसर फॉर दिस? ये जो प्रश्न है आपके सामने इसका आंसर बताओ बाबू क्या लग रहा है? पेपर कटिंग फोल्डिंग का ये प्रश्न है, इसका जरा आंसर बताइए आप क्या लग रहा है आपको? चलिए तो यहां पर इसका जो आंसर है ये किसके साथ चला जाएगा? बी कह रहे हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि ए तो होगा नहीं, सिंगल यहां पर बनना नहीं है, सिंगल बनना नहीं, और ये टेढ़ा मेढ़ा होगा नहीं, ये होगा तो बराबर जगहों पर ही, इसलिए बी आपका राइट आंसर है। इसको देखिए इसका आंसर क्या लग रहा है आपको, ये जो प्रश्न है इसका जरा आंसर बताएं आप। आपको अरेंज करना है, तो ये बात होता है कि स्टार्ट ऑफ सी एच ऐसे ही होगा, तो ये तीन वाला तो ऐसे ही खत्म है, अब दो के बाद आएगा क्या? सी एच ए है, सी एच ई है, फिर ई के बाद ए है, तो दो के बाद तीन आएगा, ये भी खत्म, ये भी खत्म, तो बचा कौन सा? फिर डी, है ना? तो ये आज का सेशन था, और डियर फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि डीआरडीओ एमटीएस 2020 के लिए कंप्लीट कोर्स शुरू हो चुका है, जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, जीएस ये सब चलेगा। अगर अभी तक आप ज्वाइन नहीं किए हैं तो कर लें, वाईफाई चैंप रेफरल कोड आपको लगाना है 10% इंस्टेंट डिस्काउंट के लिए। मेरा क्लास 2 मार्च से शुरू हो चुका है, बाकी जो हैं आकाश सर और रोहित सर और कृति मैम, इनकी क्लासेस जो हैं वो आपका स्टार्ट होने वाला है 11 मार्च से। चलिए और जो भी भाई बहन अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम पे वो जुड़ जाएंगे, रीजनिंग बाय हितेश सर में सारे वीडियो के लिंक और पीडीएफ के लिए, इंस्टाग्राम भी फॉलो कर सकते हैं।
तो चाहे एसएससी आपका गोल हो, चाहे बैंक हो, चाहे रेलवे हो, चाहे डीआरडीओ एमटीएस हो, कुछ भी हो, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। डीआरडीओ एमटीएस का जो कैटेगरी है वो सीडीएस का एफ कैट वाले में मिलेगा। और ध्यान रखिए कि जब भी अनअकैडमी पर जुड़े हैं तो रेफरल कोड आपको वाईफाई चैंप ही लगाना है 10% डिस्काउंट के लिए। ये इसका पूरा तरीका है जिसके थ्रू आप इसको खरीद पाएंगे, है ना। और जहां पर आप छठा स्टेप देख रहे हो, यहां पर आपको वाईफाई चैंप रेफरल कोड लगाना है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो को लाइक करेंगे आप और ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। क्लास अच्छा लगा तो प्यार जरूर दीजिएगा। बाकी कल से फिर से अपना स्टूडियो वाला ही क्लास चलेगा हम उम्मीद करते हैं। और आनंद रहिए, अच्छे से रहिए, खूब पढ़िए, माँ बाप का नाम रोशन करिए। जो टॉपिक आए थे उस पर आधारित हमने आपको क्वेश्चन करवाया आज, और सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं है लेकिन उस बेस पर हमने करवाया। तो बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, सी यू इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।